Krishna Hare, Hare Rama. पतितानंग पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
अजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपीकांत श्री राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाई तुलसी देवी प्रियाय केशव सच कृष्ण भक्ति प्रिय देवी नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नंद श्री अद्वैत गदाधर गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सदश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत कल्याण कर रहे थे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु कैसे विप्रभु ने अष्टभुज रूप में दर्शन एवं दर्शन दे करके ये बोला, बोले देखो ये बात किसको बोलना नहीं, अगर किसको ये बात बोल दिया फिर तो सुदर्शन चक्र से मैं तुम्हारी गला काट डालूंगा। देखो यहाँ पर एक बड़ी शिक्षा की बात है, जगत में पता नहीं कितने लोग अभी भगवान भगवान कितने भगवान जगत में निकल रहे हैं, जैसे खेती में बीज जैसे बोते हैं ना ऐसे सब भगवान भगवान निकल रहे हैं। और ये भगवान क्या हो रहा है, सबके सब जेल में बैठे हुए भगवान, सारे भगवान जेल में बैठे हुए हैं। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु उन्होंने अष्टभुज रूप में दर्शन दिया लेकिन मना कर देते हैं, अगर किसको बोलोगे तो तुम्हारी सर काट दूंगा। कहां भगवान हो करके मना कर रहे हैं, मैं भगवान हूं किसको बोलना नहीं। लेकिन ये तथाकथित जो भगवान को भगवान मोर पंख लगा करके सब भगवान भगवान बन रहे हैं, इसलिए ये कोई भगवान भगवान कोई नहीं, दुनिया को ये सबके सब दुनिया को ठगने वाले हैं। हर समय श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु थे ने बोला हम तो हर समय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग तो हर समय हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, इसलिए चलो आज सबके सब श्री सचिनंदन गौर हरि सचिनंदन गौर हरि श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम को हम लोग आज करेंगे। हाँ, इतने में जितने भक्त लोग थे आज हरे कृष्ण महामंत्र को छोड़ करके सबके सब श्री सचिनंदन गौर हरि की, बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की, बोले श्री गौरांग महाप्रभु की, बोलते बोलते सबके सब गंभीरा में पहुंच गए। जब पहुंच गए इतने में महाप्रभु अपना जयकार को सुन करके हैं अपना जयकार को सुन करके महाप्रभु गंभीर हो गए और उन्होंने अंदर में घर को अंदर में उन्होंने प्रवेश कर गए, प्रवेश करके चुप होकर के बैठ गए।
जब भक्त लोग गए तो महाप्रभु ने बोला, आज कौन सा कीर्तन कर रहे थे? नया कीर्तन कर रहे थे हैं? नया कीर्तन कर रहे थे आज? जब ऐसे बोले तो महाप्रभु बोले, देखो हर समय तुम लोगों को राधा कृष्ण का नाम लेना, भगवान की भक्ति करना, जगन्नाथ का नाम लेना, राधा कृष्ण का हरे कृष्ण महामंत्र जप करना, मेरा नाम लेना नहीं, महाप्रभु मना करते हैं। इतने में श्री अद्वैत आचार्य कहते बोले, प्रभु अगर सूरज को अगर कोई हाथ दे करके ढकना चाहे, क्या सूरज छुप जाएगी? इतना बोल रहे थे, पता नहीं कहां से उत्कल देश से, बंगाल से, पता नहीं कहां से हजार हजार भक्त उसी समय आ गए। और सचिनंदन गौर हरि की, बोले श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की, सबके सब जय जयकार करते करते आ गए। अद्वैत आचार्य बोले, प्रभु अभी इनको बोला, अब तो हमें मना कर रहे थे महा आपका नाम नहीं लेने के लिए, अभी जो इतना हजार हजार लोग आपका नाम को ले लेकर के आ रहे, सबको बंद कर, सबको मुंह बंद कर दो। अरे महाप्रभु चुप हो गए। देखो यहाँ पर कहा महाप्रभु कौन है, कदे श्री त्रिनाद भी सुनिचे न तर रपि सही सुनना अमानी नांग मान देना कीर्तनीय सदा। कदे ये श्लोक का जो मूर्तिमान स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु, महाप्रभु स्वयं भगवान होते हुए भी हर समय क्या भाव है, हम तो दास अस्मी, हम तो श्री गोपी भरतु पद कमले वो दास दासानुदास, हम तो हर समय गोपियों का जो भरता कृष्ण के दासों का मैं अनुदास हूँ। हर समय महाप्रभु ये शिक्षा दिया, इसलिए महाप्रभु भगवान होते हुए भी कभी अपना को भगवान नहीं बताया। अगर कोई भक्तों को पता चले गया ना, जैसे श्री सनातन गोस्वामी को जब उन्होंने रसराज और महाभाव रूप दर्शन दिलाया, रसराज मतलब कृष्ण स्वयं और महाभाव स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी, जब उन्होंने रसराज महाभाव स्वरूप का दर्शन दिया, दर्शन देकर के महाप्रभु ने क्या किया, उन्होंने श्री सनातन गोस्वामी का मुंह में हाथ रख दिए और सनातन गोस्वामी को बोले, ये बात तुम किसको बोलना, और राय रामानंद को बोले, ये बात किसको बोलना नहीं। इसलिए जब जब महाप्रभु अपना स्वरूप को किसी भक्तों को दर्शन दिलाए ना, तब तब महाप्रभु ने बंद कर, तब तो महाप्रभु ने भक्तों को मना कर देते हैं किसको बोलना नहीं। महाप्रभु ये चीज सिखा देते हैं। अभी महाप्रभु के जो एक बड़े भैया थे उनका नाम था श्री विश्वरूप, ये श्री नित्यानंद प्रभु का ही प्रकाश है। अभी ये पढ़ते थे अद्वैत आचार्य प्रभु की टोल में जब पढ़ते थे, और अद्वैत आचार्य हर समय गीता भागवत पुराण वेद उपनिषद सारे शास्त्र को भक्ति परक व्याख्या करते थे। क्यों? अद्वैत आचार्य कौन है, ये सदाशिव, और अद्वैत आचार्य स्वयं श्री सदाशिव होने का नाते ये स्वयं शंकर जी, जैसे शंकर जी क्या करते हैं, पंचमुख राम नाम गान त्रिपुरारी, हर समय शंकर जी पंचमुख में भगवान का नाम को जप करते हैं, और हर समय हैं श्री माता पार्वती को हर समय भगवान की कथा सुनाते, हर समय भगवान की चरित्र सुनाते, कथा सुनाते हैं। इसलिए अद्वैत आचार्य हर समय गीता भागवत को पढ़ाया करते थे, बच्चों को भक्ति की शिक्षा देते थे। अभी महाप्रभु हमको कभी कभी महाप्रभु को सच्ची मैया बोलती थी, बोले लाला घर में रसोई बन चुका है, जाओ तुम बड़े भैया को बुला करके ले आओ। अभी महाप्रभु जब जाते हैं महाप्रभु, और उस समय अद्वैत आचार्य भगवान की सुंदर सुंदर कथा सुनाते भक्ति की, और वहां पर जितने वहां पर बैठे हुए बच्चे कौन है, ये और कोई नहीं, ये सबके सब महाप्रभु के परिकर है, सब महाप्रभु के भक्त लोग बैठे थे, सारे भक्त लोग है। लेकिन महाप्रभु जब जाते हैं वहां पर क्या सुनते हैं, हैं? कहते अपन प्रस्ताव सुनी श्री गौर सुंदर सवारे करे न सुभ। यहाँ पर कह रहे हैं जब श्री महाप्रभु अंदर में प्रवेश करते हैं क्या देखते हैं, अपन प्रस्ताव सुनी श्री गौर सुंदर, वहां पर तो कृष्ण की कोला
बच्चा हरि कथा कहते उसको सुन करके बोले सवार दृष्टि मनोहर। महाप्रभु सुन करके सबको ऊपर उन्होंने मनोहर बड़े तो लोग मेरी कथा करते हैं, मेरी कथा करते हैं। वहां पर एक कन्या है जिसको अवधूत ने गुरु बनाया, एक कन्या को है कन्या को गुरु बनाया। कन्या गुरु बनाया मतलब एक समय घर में एक कोई कन्या थी, कन्या समझते ना शादी से पहले जो लड़की कन्या थी, उसको देखने के लिए बिहार से उनको ससुर घर से लोग आए बात करने के लिए लड़की के साथ।